हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से जनरल साइंस के एक नया वीडियो लेकर आए हैं और ये हमारा जीएस का पार्ट 3 है। इसमें हम लोग फिर से टॉप 20 क्वेश्चन करने वाले हैं और ये हमारा क्वेश्चन 41 क्वेश्चन से शुरू होगा और 60 तक जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन 1 को अगर देखेंगे तो नंबर ऑफ़ आरबीसी काउंट इन एन एडल्ट मेल, एडल्ट मेल में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो 5 मिलियन होता है, यानी कि 50 लाख होता है। कितना होता है? 50 लाख। अगर वही हम एडल्ट फीमेल में देखेंगे, किसमें देखेंगे? एडल्ट अगर फीमेल में देखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 4.5 मिलियन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45 लाख हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। 1 बैरल ऑयल कितने बराबर में होता है? 159 लीटर के बराबर में होता है, याद रखना है इसको। ठीक है, इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है हुमाइन कैन नॉट डाइजेस्ट ग्रास लाइक काउ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। हुमाइन बोल रहा है हुमाइन क्यों नहीं डाइजेस्ट कर पाता है किसको? ग्रास को। जिस तरह से गाय क्या करता है, काउ ग्रास को डाइजेस्ट कर देता है, उसी तरह से हुमाइन क्यों नहीं ग्रास को डाइजेस्ट कर पाता है? तो ग्रास में सेलुलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेलुलोज। और सेलुलोज का पाचन काउ में कौन करता है? बैक्टीरिया करता है। तो वो बैक्टीरिया हमारे शरीर में नहीं पाया जाता है, हुमाइन के बॉडी में नहीं पाया जाता, जो क्या कर पाए? सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाए। इसलिए क्या होती है, हुमाइन में ग्रास का डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस यूज अल्ट्रासोनिक वेव फॉर गेटिंग इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गेन ऑफ हुमाइन बॉडी। हमारे बॉडी में अगर हम लोग क्या करवाते हैं, अगर हम लोग सीटी स्कैन करवाएंगे तो हमारे बॉडी के अंदर के क्या होती है, जितने भी पार्ट्स होते हैं सारे पार्ट्स का क्या करता है, ये फिगर बनाता है या उनकी एनालिसिस करता है। तो उस वक्त में हम कौन सी वेव को यूज़ करते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव को यूज़ करते हैं। किसको? अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? अल्ट्रासाउंड स्कैनर। ठीक है, और इस वेव के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसको ढूंढते हैं? अगर हम लोग समुद्र में जाएंगे तो समुद्र में मरीन कोई हमारा समुद्र के अंदर में अगर कोई चीज़ है उसको अगर हमें ढूंढना होगा तो किसके द्वारा ढूंढेंगे? हम अल्ट्रासाउंड स्कैनर के द्वारा ही ढूंढते हैं। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45 कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज डिटरमाइंड द लॉर्डनेस या सॉफ्टनेस ऑफ साउंड। अगर हम साउंड की लॉर्डनेस और सॉफ्टनेस हमें पता करना होगा कि साउंड कितना लॉर्ड है या कितना सॉफ्ट है, ये उसके एम्पलीट्यूड से पता चलता है। किससे पता चलता है? एम्पलीट्यूड से, उनकी फ्रिक्वेंसी, साउंड की फ्रिक्वेंसी से पता चलता है कि साउंड कितनी दूर जाएंगे। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर तो क्वेश्चन हम नंबर 46 बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग पॉल्यूटेंट इज द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द फोटोकेमिकल स्मग। फोटोकेमिकल स्मग में, यानी कि फोटोकेमिकल स्मग में निम्नलिखित में से कौन सा जो है मेजर कंट्रीब्यूटर है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा। क्या होगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मेजर कंट्रीब्यूटर होता है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि हीमोग्लोबिन इज द प्रोटीन इनसाइड रेड ब्लड सेल दैट कैरी। हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है जो कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। और वो कैरी क्या करता है? अपने साथ क्या ढोता है? तो ऑक्सीजन को ढोता है। किसको ढोता है? ऑक्सीजन को ढोता है। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितनों को ढोता है? एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन 1 HB कितने को ढोता है? 1 HB 4 ऑक्सीजन को ढोता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। अगर हम आगे बढ़ें तो विच अमंग द फ्लोइंग डिजीज इज वेरी रेयर इन वुमेन एज कम्पेयर टू इट्स अकरेंस इन मैन। देखो, एक डिजीज होती है जिसे हम क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। ये जो होती है इसकी फीमेल में होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। इसकी 99% चांसेस किस में होती है? 99% चांसेस होती है मेल में होने का। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज इज वेरी रेयर इन वुमेन कम्पेयर इट्स अकरेंस इन मैन। ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी फाउंड इन नेल पॉलिश रिमूवर। नेल पॉलिश अगर हम करते हैं और हमें क्या है उसे जल्दी से छुड़ाना है तो हम लोग एसीटोन नाम के रसायन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एसीटोन का। ठीक है, अगर आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि गैस थर्मोमीटर इज मोर सेंसिटिव दैन ए लिक्विड थर्मोमीटर बिकॉज। एक गैस थर्मोमीटर एक लिक्विड थर्मोमीटर के तुलना में क्यों मोर सेंसिटिव होता है? कि इट एक्सपैंड मोर देन एज लिक्विड। गैस थर्मामीटर को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से गैस थर्मामीटर हमें क्या कर देगी, वो एक्सपैंड करेगी और हमें जो भी डाटा होगा आसानी से दे पाएगा। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि इन एटमोसफियर अल्ट्रा वायलेट रे आर एब्जॉर्ब डाइव। अल्ट्रा वायलेट रे कौन एब्जॉर्ब करता है हमारे एटमोसफियर में? तो ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करता है, सिंपल सी बात है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 52, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी का फादर कौन है? तो एडवर्ड जेनर, याद रखना होगा। एडवर्ड जेनर किसका फादर है? इम्यूनोलॉजी का। ठीक है,
क्वेश्चन कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फ्लेम। लाइट का वेलोसिटी कहाँ होता है? वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर सन की लाइट अगर हम देखें तो ज़्यादातर डिस्टेंस किससे तय करती है? वैक्यूम से तय करता है। फिर हमारे वायुमंडल में आती है तो वैक्यूम में इसकी लाइट कितनी होती है? 3×10^8 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम तो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग प्रिवेंट कोगुलेशन ऑफ ब्लड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में ब्लड इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट। एसिड रेन कौन से पोल्यूशन के कारण से एसिड रेन होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण से होता है, ठीक है। और इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज यूज इन सोलर सेल। सोलर सेल में हम किसको यूज करते हैं? सिलिकन नामक मेटल को यूज करते हैं, ठीक है। अगर इसी तरह से आगे बढ़ें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल एसिड बेस इंडिकेटर। न्यूट्रल एसिड बेस इंडिकेटर कौन कंट्रोल करता है? टर्मेरिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए फीमेल सेक्स हार्मोन। फीमेल सेक्स हार्मोन क्या होता है? एस्ट्रोजन होता है। और मेल सेक्स हार्मोन की बात करेंगे तो मेल सेक्स हार्मोन क्या होती है? एंड्रोजन्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 59 नंबर जो बोल रहा है गोल्डन राइस इज ए रिच सोर्स ऑफ। गोल्डन राइस में रहती है विटामिन ए, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन है जो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल इज कॉल्ड द मेटल ऑफ फ्यूचर। टिटैनियम को हम क्या कर सकते हैं? फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, ठीक है।